बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं हूं स्वीटी वर्मा, आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जाती है योजना, मूंग की फसल को बचाएं रस चूसने वाली कीटों से, फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिक्योर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं उनका चयन कर उन्हें आवश्यक कृषि उत्पादनों के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन और जल एवं मिट्टी संरक्षण के संबंधित कार्यों के लिए योग्य किसानों को चयनित कर अनुदान दिया जाता है। जिन किसान भाइयों ने मूंग की फसल लगा रखी है उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली मक्खी या सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि फसल को बहुत नुकसान पहुँचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर मीटा क्लोरोफिट दवा का छिड़काव लाभप्रद होता है, परंतु दवा का छिड़काव कब और कितनी मात्रा में करना है इसे जानने के लिए मिलते हैं विशेषज्ञ से। देखिए, अभी के एक समय में अगर किसान भाई जो मूंग लगा दिए हैं और पौधे 30 दिन से ऊपर के हो गए हों, तो ऐसी परिस्थिति में रस चूसने वाला कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी है जो कि रस से चूस लेती है, और ये मक्खी एक वायरल नाम की बीमारी होती है, एलोमोजेक वायरस का वो फैलाती है। तो जहाँ इस तरह का अगर कीट दिख रहा है तो खास करके किसान भाई जो रोगग्रस्त पौधों को पहले उखाड़ के फेंक दें, और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें, इससे काफ़ी लाभ होगा। बरसात का मौसम चल रहा है, इन दिनों में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेद में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, परवल का जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से 3 किस्में विकसित की गई है। स्वर्ण अलौकिक चिकना वाली है जिसमें धारी नहीं होता है, स्वर्ण रेखा धारी वाली है, एक स्वर्ण सुरुचि जो है चिकनी वाली परवल है। तीनों किस्मों जो है यहाँ के लिए उपयुक्त है, और आप जो है अक्टूबर माह में जो है परवल की रोपाई कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे अनुसंधान केंद्र पर जो है पौधा जो है तैयार किया जाता है, पॉलीथीन बैग में तैयार पौधा जो है आपको 10 रुपये प्रति पौधा की दर से मिलेगा। उसमें आपको सावधानी बरतना है कि कम से कम आप अपने खेत में 100 पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे कि उसमें नर और मादा पौधा अलग होता है तो आपको फलन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप 100 पौधे अवश्य अपने खेत में जब लगाएंगे तो उससे अच्छा फलन मिलेगा। बरसात के मौसम में पशुओं में कई प्रकार के रोग लगने की संभावना रहती है, जिनमें से एक है चर्म रोग का होना। साधारण सा दिखने वाला ये रोग कभी कभी गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए यथासंभव शीघ्र उपाय करना चाहिए। शुक्रों में यदि चर्म रोग हो जाए तो नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें, आइए जानकारी लेते हैं हमारे पशु विशेषज्ञ से। शुक्रों में चर्म रोग अभी खास करके देखा जाता है, और ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में चर्म रोग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन है, जो मच्छर हैं मक्खियाँ उनका ब्रीडिंग सीजन इस समय होता है। तो चर्म रोग से बचाने के लिए हमारे शुक्रों में देखा जाता है, जैसे ही लक्षण इसका दिखे, जैसे बाल का झड़ना, दाना होना,
खुजली होना, इस तरह के लक्षण दिखता है तो तुरंत हमारे डॉक्टर की सलाह लेकर आप दवा कराएं। इसमें आइवरमेक्टिन दवा दे सकते हैं, 35 किलो वजन पर 1 ml चमड़े में देकर इससे बचाया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू दवा भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें करंज का तेल 100 ml, 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक को अच्छी तरह से मिला करके और चमड़े पर लगाएं। 2-3 बार लगाने से चर्म रोग की समस्या दूर हो जाएगी। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें जाना मौसम का हाल और कृषि की नई तकनीक के बारे में। वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे किसान भाइयों के पास खेती के बाद भी काफी समय बच जाता है। वो इस समय का उपयोग मुर्गी पालन में कर सकते हैं। साथ ही घर की औरतें भी अपने खाली समय में इस धंधे को आराम से कर सकते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम लागत में आसानी से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कृषक प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन का काम अब काफी तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये व्यवसाय 5 मुर्गियों से भी शुरू हो सकता है और लाखों मुर्गियों के साथ बिजनेस का भी रूप दिया जा सकता है। इसके छोटे स्तर पर अपने घर में ही ये काम शुरू किया जा सकता है। हजारों लोग आज इस कारोबार से जुड़कर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ की आधी सदी की आबादी जो खेती गृहस्थी पर आश्रित था, खेती करके अपना जीविकोपार्जन करती है। यहाँ के किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन और मुर्गी पालन भी करते हैं। अगर मुर्गी पालन की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में मुर्गी पालन कितना लाभदायक है किसानों के लिए, आइए हम जानते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ जो किसान जो है खेती के साथ साथ समेकित कृषि करने का कार्य करते हैं, कृषि करते हैं और अपने क्षेत्र में जो है बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। अगर मुर्गी पालन की बात करते हैं तो मुर्गी पालन कितना मायने रखता है कृषि क्षेत्र में? हमारे झारखंड की बात करें, भारतवर्ष की बात करते हैं तो मुर्गी पालन का जो है कि प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे किसान भाई काफ़ी तेज़ी से मुर्गी पालन कर रहे हैं और ख़ास करके बैकयार्ड मुर्गी पालन की जो पद्धति है ये हमारे किसान भाई बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं और सबसे ज़्यादा संख्या वैसे मुर्गी पालकों की है जो बैकयार्ड रूप से पाल रहे हैं, घर के आंगन में पाल रहे हैं। तो अब देखा जा रहा है कि वो बैकयार्ड मुर्गी पालन के फ़ायदे क्या हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन जो है, जो मुर्गी पालन कर रहे हैं कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा है कि उनको खाने का जो है बचत हो जाता है, खाना कम देना पड़ता है, उसके उत्पादन खर्च काफ़ी कम होती है और जो है कि उसको ज़्यादा फायदा होता है हमारे किसानों को। इसको अतिरिक्त आय मुर्गी पालन से मिलते हैं। जो किसान कृषि कर रहे हैं साथ में अगर वो घर के आंगन में
10, 20, 50 मुर्गियां रख रहे हैं तो उनको अतिरिक्त आय हो जाता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कि मुर्गी के अंडे और मांस खा करके उनको जो कुपोषण की जो समस्या है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी दूर हो रही है। तो इस तरह से जो कृषि क्षेत्र में जो ग्रामीण परिवेश में मुर्गी पालन जो है इसी कारण से काफ़ी प्रचलित हो रहा है। वैज्ञानिक रविंद्र कुमार कहते हैं कि किसानों के लिए खेती के साथ साथ मुर्गी पालन बेहद फायदेमंद होता है। वे कहते हैं कि आमदनी के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके जरिए घर की महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। किसानों को जैसा कि मुर्गी पालन जो अभी किसान कर रहे हैं, खास करके आप देखेंगे कि जो मुर्गी पालक हैं ग्रामीण परिवेश में देसी मुर्गी का पालन करते हैं, तो कृषि के साथ साथ जो देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी अनुत्पादक होते हैं, बहुत उत्पादन क्षमता उनकी ज़्यादा नहीं होती। जैसे अंडा देने की क्षमता जो है 30 से 40 अंडे देते हैं, बढ़ने की क्षमता भी कम होती है। आप देखेंगे एक साल में 1 किलो 1.5 किलो उनका वजन होता है। तो अभी बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं मुर्गियों के, जैसे हमारा झारसिम है, दिव्यान रेड है, बनराजा है, ग्राम प्रिया है, ये मुख्य रूप से संकर नस्ल के ये जो है कि सुखा हमारे मुर्गियों के जो है जाति हैं। और ये देखा जा रहा है ग्रामीण परिवेश में जो कृषि के साथ साथ जो बैकयार्ड पद्धति से हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं इसमें अंडा उत्पादन भी लगभग 150 हो जाता है। इसके अलावा मांस उत्पादन जो है जैसा कि देसी मुर्गी 8 महीने 10 महीने 12 महीने में 1 किलो होता है, ये मुर्गी जो है बिल्कुल लगभग 3 महीने 4 महीने में 1 किलो का वजन इनका हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि अतिरिक्त आय हमारे किसानों को मिलती है और काफ़ी अच्छी तरह से जो है कि अगर कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन करते हैं तो उनकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ती है और साथ साथ जो है पोषण कुपोषण की समस्या वो भी दूर हो सकती है हमारे किसानों को। अधिक अंडा उत्पादन के लिए अच्छे नस्ल की मुर्गी का पालन करना चाहिए। इसके अलावे मुर्गी पालन घर, दाना, पानी देने के लिए बर्तन, ब्रूडर, रोगों से बचाव के लिए टीका औषधि तथा दवा, अंडा देने का बक्सा, रोशनी या बिजली का प्रबंध बेहतर होना चाहिए। कृषि के साथ साथ यदि मुर्गी पालन करते हैं खास करके बैकयार्ड, तो इसमें 2-3 तरह से फायदे होते हैं। पहला है कि जो देसी या जो संकर नस्ल की देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं जो हमारे किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र में पालती हैं, उनमें देखते हैं कि उसमें वो खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं या बहुत कम देते हैं, तो बाकी जो अपने खाने की जो कमी होती है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो कीड़े मकोड़े से पूरा करते हैं। तो पहला चीज़ तो है कि जिस तरह के जो कीड़े मकोड़े आसपास जो होते हैं जो कि कृषि को हानि पहुंचाते हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये जो है कि चलने के दौरान जो है कि चरने के दौरान मल मूत्र का जो त्याग करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और इससे जो उर्वरक का जो उपयोग है उसको भी हमारे किसान भाई कम करते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से फ़ायदा होता है, जो कृमि होते हैं उसको भी ख़त्म करता है और उर्वरक क्षमता जो सॉइल का होता है वो बढ़ जाता है और उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और जैविक की बात करते हैं, जैविक कृषि की बात, तो पशुपालन के बिना जो है वो अधूरा होता है। और इस तरह से मुर्गी पालन या बकरी पालन के साथ साथ कृषि से जो जैविक कृषि हमारे किसान भाई काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि फॉर्म की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर फॉर्म में नमी हो गई हो तो बीमारी का खतरा होगा और बदबू भी आएगी, लिहाजा चूजों की जगह को सूखा रखना चाहिए। कृषि प्रक्षेत्र में हमारे किसान भाई अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अच्छे नस्ल का मुर्गी का चुनाव करें। इसमें आप अगर झारखंड परिवेश से हैं तो झारसिम नस्ल की मुर्गी का आप पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम प्रिया, बनराजा, दिव्यान रेड, ये सब भी वैरायटी ग्रामीण परिवेश के लिए काफ़ी अच्छी है, उसका पालन कर सकते हैं। रंगीन किस्म का होता है, अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है और मांस उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके देखा जाता है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जो मुर्गी पालन करते हैं वो टीकाकरण नहीं कराते हैं, तो इससे मुर्गियों की बीमारी आने से मृत्यु दर बढ़ जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कुछ टीका हैं जैसे 0 डे में मैरक्स डिजीज़ का, 1 सप्ताह की उम्र हो जाए तो रानीखेत डिजीज़ का टीका लगाना चाहिए, 2 से 3 सप्ताह में गम्बोरो डिजीज़ का टीका लगाना चाहिए, 4 से 5 सप्ताह में पुनः रानीखेत का टीका लगाना चाहिए और उसके बाद 7 से 8 सप्ताह का हो जाए तो फॉलपॉक्स का टीका लगाना चाहिए। इस तरह से अगर आप टीकाकरण करेंगे मुर्गियों में तो बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी और जो है कि इससे जो है मृत्यु दर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रामीण परिवेश में जो भी मुर्गी पालन कर रहे हैं उनसे
वो बैकयार्ड पद्धति में मुर्गी पालन करें, अच्छी नस्ल का मुर्गी पालन करें। इसके अलावा आवास व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। खास करके देखा जाता है कि जो बैकयार्ड पद्धति में मुर्गी पालन करते हैं तो आवास उनका ठीक नहीं होता है, तो आवास साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें जगह जो प्रति मुर्गी जगह का जो ज़रूरत होता है वो भी उनको दे। इसमें एक वर्ग फीट जगह की ज़रूरत होती है प्रति मुर्गी, तो ऐसा कुप्पा बनाएं, ऐसा घर बनाएं कि मुर्गियां उसमें शाम के वक्त जो है कि अंदर कुप्पे में रहे और उसके अलावा जो है दिन में जो है कि उसको बाहर छोड़ दें, तो कृषि पद्धति में काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा जो चूजे होते हैं, छोटे चूजे होते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लगभग 2 सप्ताह तक, लगभग जो है कि 14 दिन से 2 से 4 सप्ताह तक जो हम लोग उसको ब्रूडर में रखते हैं, उचित तापमान देकर हम चूजों को रखते हैं, उस समय दाना मिश्रण अलग से देना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक रविंद्र कुमार मुर्गी पालकों को कुछ जरूरी सलाह देते हुए कहते हैं कि ये आपकी आमदनी बढ़ाने का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी और जानकारों के सुझावों पर अमल करें। हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ मुर्गी पालन अवश्य करें। मुर्गी पालन में खर्च जो है काफ़ी कम है और इसमें मुर्गी पालन में प्रतिदिन आमदनी आप कर सकते हैं। ऐसे अंडा उत्पादन आप अगर 20-25 मुर्गियां रखते हैं तो प्रतिदिन अंडा उत्पादन उससे हो सकता है, उसको खाने के लिए या बेचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुर्गियां होते हैं उसके अंडे जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इसमें इसका दाम जो है बाज़ार में काफ़ी अच्छा दाम में बिक जाता है। तो हमारे किसान भाई अतिरिक्त आय के लिए और पोषण संबंधित सुधार के लिए मुर्गी पालन अवश्य करें। तो किसान भाइयों और बहनों, अभी आपने जाना कृषक प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खरीफ मौसम में उगाने जाने वाली सब्जियों की उत्पादकता में कमी के अनेक कारण हैं। इस मौसम में सिंचाई की कमी तथा पानी की अधिकता का फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मौसम में शुष्कता तथा तापमान में लगातार उतार चढ़ाव खरपतवारों कीटों को न्योता देता है, जिसके कारण किसानों को फसलों को सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आइए देखते हैं खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती के बारे में। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो पूरे देश में सब्जियों की खेती के लिए विख्यात है। पूरे देश में सब्जियों की खेती में झारखंड की एक अलग ही पहचान है। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू में और हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि खरीफ मौसम में जो सब्जी हम लगाए हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करेंगे और कौन कौन सी बातों की सावधानी बरतेंगे। बरसात के दिनों में अगर मल्चिंग कर देते हैं, जो कुछ किसान भाई प्लास्टिक मल्चिंग भी करते हैं, अगर प्लास्टिक मल्चिंग आप नहीं कर पाए हैं तो आप सूखी हुई घास या पुआल को भी आप घास निकालने के बाद, निकाई करने के बाद जो है पौधों के आसपास अगर डाल देंगे तो उससे भी जो है घास जो है कम होता है, खरपतवार कम होता है। उसके बाद किसान भाई जो है कीट एवं बीमारी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी बारिश के दिनों में क्या होता है कि कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, ज़्यादातर फसल जो सब्जी फसल लगा हुआ रहता है उसमें कीट एवं बीमारी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये तो आपने बरसात के बारे में बताया कि पानी पड़ने से जो है मिट्टी का कटाव होता है और पानी खेत में कम होना चाहिए, तो देखा था कि पानी से पौधे गल भी जाते हैं, ये तो सावधानी बरतनी चाहिए, खेत को थोड़ा ढालूनुमा होना चाहिए ताकि पानी निकासी आसानी से हो सके। अगर हम बीमारी की बात करें तो कौन कौन सी बीमारी बरसात के मौसम में होती है, उससे बचाव किस तरीके से किया जाए?
किसान भाइयों, ज़्यादातर अभी जो है जैसे कि आपके खेत में जो किसान भाई लत्तीदार सब्जी लगाए हुए हैं, तो लत्तीदार सब्जी में जो है एक डाउनी मिल्ड्यू करके बीमारी आता है। जितने भी लत्तीदार सब्जी है, खीरा होगा, करेला होगा, नेनुआ होगा, झिंगी होगा, उसमें क्या है कि डाउनी मिल्ड्यू करके बीमारी आता है। उसमें पत्ती में जो है पीला पीला धब्बा जैसा हो जाता है। पहले जो है छोटा छोटा स्पॉट आएगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपको जो है ये डाउनी मिल्ड्यू बीमारी को कंट्रोल करना है। उसके लिए पहला तो है कि जैसे ही आपको उसका लक्षण दिखाई पड़े तो उस तरह के पत्ती को काट करके आप अपने खेत से हटा दें, उसे नष्ट कर दें। और उसके बाद जो है रिडोमिल नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। दूसरा दवा जो है अमिस्टर जो है 1 ml/L पानी मिला करके छिड़काव करेंगे, और करने से जो है यह जो है डाउनी मिल्ड्यू बीमारी नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन सावधानी बरतना होगा कि बारिश के दिनों में, खरीफ मौसम में जब बारिश होता है तो उस समय आप छिड़काव नहीं करें। जब मौसम साफ रहे तब जो है दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये दवा छिड़काव के बारे में बताया कि जब पानी पड़े तो उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पानी के साथ बह के पूरा निकल जाएगा और उसका प्रभाव काफ़ी कम पड़ जाएगा। और कौन कौन सी बातें जरूरी हैं किसानों के लिए खरीफ मौसम के लिए? खरीफ मौसम में जैसे अभी किसान भाई हम लोग बीमारी की बात किए, दूसरा जो है कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। जो भी किसान भाई जैसे कि फूलगोभी लगाए होंगे तो फूलगोभी में जो है एक पत्ती में खाने वाला कीट आता है, पिल्लू रहता है, तो उसको जो है नियंत्रण करना आवश्यक होता है। क्योंकि झारखंड में हमारे ज़्यादातर किसान भाई के खेत में अभी फूलगोभी फसल लगा होगा, तो फूलगोभी कीट के नियंत्रण के लिए जो है पत्ती खाने वाला जो कीट होता है उसके नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब नामक दवा 0.5 ml/L पानी में मिला करके, या लार्विन नामक दवा जो है 1 ग्राम/L पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपका उससे नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा जो है आपको जैसे कि बैंगन का फसल किसान भाई लगाए होंगे, तो बैंगन में क्या है कि बैंगन में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको जो है फेम करके एक दवा है 0.3 ml, 1 ml दवा जो है 3 लीटर पानी में, या कोराजन नामक दवा जो है 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके अगर 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करेंगे तो बैंगन के फल एवं तना छेदक कीट से आपको नियंत्रण हो जाएगा। उसी तरह से जितने भी आपको सब्जी लगा हुआ है जिसमें पत्ती खाने वाला कीट है, तो आप इंडोक्सा कार्ब नामक दवा जो है 0.5 ml 0.5 ml/L पानी मिला करके, या सक्सेज नामक दवा जो है 1 ml/L पानी मिला करके छिड़काव करेंगे। उसके साथ साथ किसान भाई बहुत सा फसल जो आप लत्तीदार सब्जी है या मिर्च है उसमें आपको रस चूसने वाला कीट भी आता है। जैसे कि मिर्च की बात करें तो मिर्च एवं शिमला मिर्च में 2 तरह का कीट आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक जो है कीट थ्रिप्स करके आता है जिसमें पत्ती ऊपर की ओर मुड़ जाता है, नौ आकार का पत्ती हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके मिर्च एवं शिमला मिर्च में थ्रिप्स नामक कीट है। और उसके नियंत्रण के लिए जो है लेंसर गोल्ड नामक दवा जो है 1 ग्राम/L पानी में मिला करके, या कन्फिडोर नामक दवा जो है 0.5 ml 0.5 ml/L पानी में मिला करके छिड़काव करें। उसके साथ साथ मिर्च एवं शिमला मिर्च में एक और कीट आता है जो पत्ती को नीचे की ओर मोड़ जाता है, नौ जैसे पलटी हो जाता है उस तरह से रहता है। उस स्थिति में जो है वह जो है माइट नामक कीड़ा है, आपके आँख से नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन आप लक्षण देख करके कि पत्ती अगर ऊपर की ओर है तो थ्रिप्स है, पत्ती अगर नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो माइट है। और माइट के नियंत्रण के लिए जो है ओमाइट या ओबिरॉन नामक दवा जो है 1 ml/L पानी में मिला करके छिड़काव करें तो उससे नियंत्रण होगा। उसके साथ साथ जितने भी लत्तीदार सब्जी है उसमें भी आपको रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए जो है लेंसर गोल्ड नामक दवा 1 ग्राम/L पानी में मिला करके, या कन्फिडोर नामक दवा जो है 0.5 ml/L पानी में मिला करके छिड़काव करें। उसके साथ साथ किसान भाई रासायनिक जो हम छिड़काव करते हैं वो तो सबसे अंतिम उपाय है, पहले हमको सावधानी बरतना है कि हमारे खेत में कीट का प्रकोप ही कम हो। उसके लिए आप जो है अभी बाज़ार में क्रॉप गार्ड करके नोयू सीड्स कंपनी का प्लास्टिक आता है और उसके साथ साथ जेल आता है, पीले रंग का और नीले रंग का प्लास्टिक आता है, जिसको कि अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं सब्जी का तो अपने खेत में जो है 50 प्लास्टिक, 25 नीले रंग का, 25 पीले रंग का प्लास्टिक
आप अगर उस जेल को लगा करके अपने खेत में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर जो है रस चूसने वाले कीट या अन्य कीट भी जो है पीले एवं नीले रंग पर आकर्षित होकर के और उसमें फंस जाते हैं और वहाँ चिपक जाते हैं, जिससे कि वो फिर उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो उससे एक तो है कि प्रजनन कम हो जाता है, आपके कीटों की संख्या कम हो जाता है, और जो आपके पौधे पर नुकसान पहुँचाते हैं वे सभी कीट आपके पीले एवं नीले रंग के प्लास्टिक पर आकर के चिपक करके मर जाते हैं। तो हमारा सुझाव रहेगा कि किसान भाई जो है अपने खेत में जब भी आप बीज बुआई और रोपाई कर रहे हैं तो आप जो सब्जी फसल का, तो बीज बुआई और रोपाई के तुरंत बाद ही क्रॉप गार्ड करके जो है प्लास्टिक जो पीले नीले रंग का आता है उसके साथ आपको हाफ लीटर का जेल मिलेगा, उसको लगा करके और अपने खेत में लगा दे, जिससे कि कीट का, ज़्यादा कीट का आपको नियंत्रण हो जाए। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पे जो है किसान जो जैविक खेती काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम जैविक तरीके की बात करते हैं तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, पहला तो है कि जो अभी हम बताए कि क्रॉप गार्ड जो पीले रंग का और नीले रंग का जो प्लास्टिक है, अगर उसको हम खेत में लगाते हैं तो भी एक जैविक नियंत्रण ही है, कोई उसमें हम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है कि जब हम जो भी कीट एवं बीमारी आता है तो पहले पत्तियों को काट करके हटा दें, या डंठल को जिसमें ग्रसित भाग है उसको हटा के नष्ट कर दें, और उसके साथ साथ जो है नीम आधारित जो भी दवा है बाज़ार में उपलब्ध है वो नीम आधारित दवा का आप प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में ही देसी गाय से गौमूत्र एवं नीम के पत्ता आधारित जो है कीटनाशक आप बनाना चाहते हैं तो कभी भी आप हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि देसी गाय के गौमूत्र से किस तरह से जैविक कीटनाशक बनावें और उसका छिड़काव करें। तो दर्शकों, आज आपने जाना कृषक प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन के बारे में और साथ ही जाना खरीफ मौसम में सब्जियों की देखभाल के बारे में। तो किसान भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।